नमस्कार, मैं हूँ शशांक। आप देख रहे हैं आरटी न्यूज। आरटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। अभी तक कितने किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका? 797 पंजीयन है। तो कितनी ट्राली खोली गई यहाँ पे? लगभग 410 किसानों के लगभग खरीद हो चुकी है। अब तो बाकी तो रहे, अब तो लगभग आई नहीं रही, डाली नहीं आ रही है। लगभग सब तो लाइफ पूर्ण हो चुकी है। कितना टाइम हो गया कहीं पर? अब कितने लोग बचा है? कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है? नहीं, अब तो मुश्किल है क्योंकि अब डाली नहीं आ रही है। जिनका तुलना था वो कहीं और दूसरी सोसाइटियों में भी उनके खाते थे, दूसरी जगह जमीनों के, तो वो वहाँ तुलवा चुके। तो अपने पास अब लगभग लोग पूर्ण हो चुकी है। किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ रही यहाँ तक? यहाँ पे पानी की व्यवस्था थी, छाँव की व्यवस्था थी, बाकी जो जो व्यवस्था होती है जी। स्थाई शौचालय सब है ना? अस्थाई शौचालय है, स्थाई शौचालय भी है। यहाँ पे ऐसे कितने किसान थे जिनके गेहूं में मट्टी अधिक होने के कारण रिजेक्ट की गई ताली? ऐसा कोई नहीं। हमने जितने भी तालियाँ थी जिनमें मिट्टी थी उनको हमने समझाई दी, वो घर ले गए, ग्राइंडिंग करा के फिर वापस लेके आए, फिर उनका गेहूँ तो लगाया। यहाँ पर किराना का क्या पालन किया गया? सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को बोला गया और हमारे को भी बोला गया, ठीक है, मास्क लगाने को बोला गया। यहाँ पुराना में अभी सैम्पलिंग चेक हो रही थी, उसमें भी भेजा कुछ लोगों को। ऐसे करके बहुत सारे COVID-19 के पालन करने को बोला गया। ठीक है, आपका एक बार और परिचय दीजिए। गोविंद शर्मा, गोनमोल सोसाइटी से डाटा ऑपरेटर। किस पद पे हैं? डाटा ऑपरेटर। थैंक यू भाई। ओके, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली बार फिर। जय हिंद, जय भारत।